ये क्वेश्चन इन्फिनिटी वाले कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, जबकि इन्फिनिटी क्वेश्चन इजिएस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। देखिए इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन का एक फंडा होता है इस तरह के क्वेश्चन का, सीख लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया हो, याद रखिए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो तो वन अपॉन एक्स टेंस टू हमेशा जीरो होगा। तो जब भी इन्फिनिटी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये तरीका यूज करिए। तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। मान लो पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स, छोटे से एग्जाम्पल से सब समझ जाओगे। अगर डिग्री सेम है तो हाइएस्ट पावर कोफिशियंट आंसर होता है, पहला केस। दूसरा, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो आंसर होता है इन्फिनिटी। और तीसरा, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर जीरो होता है। तो पहले तो इनके तीन ही आंसर होते हैं। तो अब जब भी कभी क्वेश्चन आए तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बेसिक बात कि यहां पर आपको नीचे दिख रही डिग्री वन, तो ऊपर अगर वन होगी तो ही इसका फाइनाइट आंसर होगा, पर इसका आंसर जीरो दिया है। जीरो दिया मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ ही नहीं सकता, ये पहचानने का तरीका होता है। अगर इसका आंसर जीरो है तो दो ही केस में हो सकता है, या तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। तो आप इसका, अगर मैं आपसे बोलूं कि एलसीएम लो, सीखिएगा आप, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, इसी में कई बार उलझ जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस कॉमन ले लिया इंटू एक्स प्लस वन अपॉन, बोलो बेटा एक्स प्लस वन। अब जरा आप इसको थोड़ा सा मुझसे सॉल्व करवाइए तो आप क्या बोलते, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो तो एक अल्फा मिलेगा और एक बीटा, प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वन, और आपको रिजल्ट पहले से पता जीरो। ये जीरो जब हो सकता था, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ ही नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर का ओवरऑल कोफिशियंट देखें तो वन माइनस अल्फा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो अल्फा कितना आ गया, वन। अल्फा वन कितने में है, अल्फा और बीटा ही पूछा ना, अल्फा वन इन दो में है, तो ये दो तो पहले ही खत्म, रिजेक्शन मेथड ठीक है। अब इसके बाद जो एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है, इसके बाद एक्स का कोफिशियंट है और फिर वो, तो एक्स का कोफिशियंट भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होगा ही नहीं, अगर वो होगा ही नहीं तो वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो ये भी अगर जीरो हो जाए तो कब होगा ये जीरो, बोलो, अल्फा वन आ ही चुका तो बीटा क्या आ गया, तो आंसर क्या हो गया, सी।